नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है एलटी ग्रेड को लेकर के। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड पुरुष वर्ग का रिजल्ट जारी हो गया था हिंदी का, आज महिला वर्ग का भी रिजल्ट जारी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे टॉप में लिंक दिया गया है कि फीमेल का रिजल्ट जारी हो गया है। ठीक है, मैं आपकी इसकी पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ है रिजल्ट की, 30 सितंबर 2020 यानी आज ही की, बिल्कुल अभी अभी ये रिजल्ट जारी हुआ है। यहाँ पर लिखा है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2018, जिसकी परीक्षा 29 जुलाई 2018 को संपन्न हुई थी। इसमें कुल मिलाकर के भर्ती देखा जाए तो 737 पदों पर भर्तियाँ थी। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है कि अनारक्षित की 369, पिछड़ा वर्ग की 198, SC की 155, ST की 15 रिक्तियां थी। कुल मिलाकर के 737 रिक्तियां थी। तो सभी अभ्यर्थियों का यहां पर चयन हो गया, कोई भी सीट खाली नहीं गई है। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर देख सकते हैं, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अब ये जो रिजल्ट जारी हुआ है इसका कट ऑफ के बारे में अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, कितना कट ऑफ गई है, क्या कैसे इसमें बोला गया है। जो ऑफिशियल कट ऑफ है हम बाद में जारी करेंगे, और कोई अगर सूचना मांगता है RTI के जरिए कट ऑफ के बारे में, कोई भी इनको उत्तर नहीं दिया जाएगा। इन सभी अभ्यर्थियों की अब काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी आगे चल करके। ठीक है, नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट की लिस्ट मिल जाएगी आपको। सबसे पहले नंबर पर उषा देवी हैं, OBC कैटेगरी के अंतर्गत ये हैं, और इसके बाद सेकंड में संजू मौर्य हैं, कंचन द्विवेदी हैं। कुल मिलाकर के ये अभी सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट है 737 अभ्यर्थियों की। जो भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप लोग अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने कितने नंबर आप लोगों को मिले हैं, मतलब कितने नंबर पर आपका चयन हुआ है, कितने क्वेश्चन आपके सही थे उसके बाद आप लोगों का चयन हुआ है, और कितने नंबर पर आपका चयन नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कट ऑफ का आकलन किया जा सके। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग governmentjobcenter.com से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।